आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आजमगढ़ आए कुंवर बाशित अली का सठिया चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोर्चे की आगामी रणनीतियों व कार्यक्रमों के बारे में भी अवगत कराया। शद्दाम इराके के आवास पर कुंवर बाशित अली ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष रणनीति बना रहा है। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की कमेटी गठित की जाएगी। अल्पसंख्यकों के मन में भाजपा के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुबारकपुर बुनकर समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर आफताब मिर्जा क्षेत्रीय मंत्री मोहम्मद शद्दाम प्रदेश कार्य समिति सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा परवेश आजमी जिला अध्यक्ष हसन नशीम जिला मंत्री एहसान खान आदि लोग मौजूद रहे। वहीं कुंवर बाशित अली ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान क्या कहा आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। आज आपका जो है मुबारकपुर का दौरा रहा, जिले का दौरा रहा, तो आपने किस तरीके से लोगों आपने आपका स्वागत किया गया? आजमगढ़ में जिस तरह का स्वागत हुआ है वो उम्मीद से कहीं बड़ा स्वागत है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश पूरी तरह से है और इनके जोश को देखकर मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से 350 से सीटें ज़्यादा लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है और आजमगढ़ से इस बार हमारी काफ़ी सीटें निकलकर आएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, जैसा कि लोगों में चर्चा है कि यहाँ से अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों से जो है कोई मुस्लिम बहु प्रत्याशी लड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव इस बार लड़ेंगे और जो क्षमतावान लोग हैं, जो चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो टिकाऊ कैंडिडेट हैं, उनको टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। थैंक यू सर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।